नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मंच को इतना सवारा है हम सारे कलाकारों के बीच में, तो मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरी खुशियों का अपार ये है कि इतनी सारी पब्लिक जो यहां पे है वो बहुत प्यारी है, वो बहुत कोऑपरेटिव है और हमें उनके साथ बहुत मजा आया। इसके लिए शायद माँ का आशीर्वाद था कि मैं और श्वेता जी और अरुण काका जी कुछ थोड़ा सोच रहे थे स्पेशल करें इनके लिए और हमने किया। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने दर्शकों को दूंगा और दर्शकों के साथ गोविंद भाई ने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लागत लिखे कि हमने कि आज उत्तर प्रदेश और बिहार में लिखी जा, ये लिखे बुझात कि बॉम्बे में बनी जा, कि दर्शक के प्यार देख के लगा था कि हमने कि अपना गांव में बनी जा। और जिसे गाँव में सप्तमी के दिन पाठ खुलेला उसे आज हमने के माता जी के पाठ जिसे खुलल बा वो हिसाब से हमने के पब्लिक के दिल में गदगद, तो अपने भी दिल में गदगद बा। हमारा साथे श्वेता मिश्रा और अमरीश भाई साथे बनी जा, हमने के बहुत अच्छा लगा था। और सारा भोजपुरी समझे वाला, भोजपुरी देखे वाला और भोजपुरी जाने वाला के नवरात्रि, दीपावली और छठ पूजा के ढेर सारा शुभकामना बा। हर हर महादेव, जय माता दी। शायद ये पहला मौका होगा जब आप ऑडियंस से लाइव मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल, और इस तरह से वो भी, ऐसे तो मैं गई हूँ स्टेज पर कभी मैंने खुद भी डांस नहीं किया। आज अमरीश जी की वजह से मैं डांस भी किया और मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी पब्लिक है जो हमारा क्रेज है उन्हें, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज मुझे। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, अभी जल्द हमने ख़त्म किया दुल्हनिया लंदन वाली, जिसमें लंदन वाली ये वही नायिका है श्वेता मिश्रा जी। बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके और फिल्म भी बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत मतलब पसंद आएगी, क्योंकि हम देश विदेश तो जाते हैं लेकिन दुल्हनिया कहाँ से लेके आते हैं उसका किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इस फिल्म में समझ में आएगा दुल्हनिया लंदन वाली किस तरह से नाच नचाती है, तो बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। बिल्कुल, दर्शकों का प्यार आशीर्वाद है और बहुत अच्छी फिल्म है और फिल्म तो हम लोग का इनिशियल ओपनिंग बहुत अच्छा मिला है और आगे भी आशा करूंगा कि ये फिल्म दूसरे हफ्ते में चले। आज पहला दिन पब्लिक का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि पब्लिक सिनेमा हॉल में आए, दर्शक सिनेमा हॉल में आवे और पारिवारिक फिल्में जब बनती है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। पहले आप मीडिया के माध्यम से मैं पूरे भारतवासियों को
दशहरा का और नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं सभी को भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे पंडित दीनदयाल वेलफेयर ट्रस्ट है, नौसेना मंडल है, जिनके थ्रू हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं इनके तरफ से आप सभी को भी मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। मैं आज जो है मीडिया के थ्रू जो हम लोग का ये कार्यक्रम जो पूरे लोग देख रहे हैं, उसके लिए मैं हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं गोविंद ठाकुर जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और ये पहला साल है जो हम लोगों ने सोचा कि जो हमेशा मुंबई में, जैसे हमारा उत्तर भारतीय समाज है, हमेशा गणपति बप्पा मौर्या करता है, जैसे हम लोग उत्तर भारत में आते हैं लेकिन वहाँ गणपति पूजा इतना धूमधाम से नहीं होती जितना कि मुंबई में होती है, लेकिन जब यहाँ हम आके बस गए, रस गए, जब यहीं का सब हम लोग हो गए तो यहाँ का कल्चर भी हमको अपनाना पड़ा और अपनाना चाहिए, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। वैसे ही नवरात्रि जब दशहरा आया तो हम लोगों के मन में एक विचार आया कि यहाँ पर क्यों नहीं एक भोजपुरिया डांडिया होनी चाहिए, तो उसका हम लोगों ने प्रयास किया, उसके तहत माता की चौकी और डांडिया दोनों का कार्यक्रम हम लोग मिलजुल के ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार देखे आप देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे जो भी भोजपुरी के कलाकार हैं, जैसे आज अमृत सिंह जी आए थे, वो श्वेता मिश्रा जी आई थी, कल भी इससे बढ़िया शिखा मिश्रा जी आने वाली है और अनारा गुप्ता जी आने वाली है, कल उनके कोई फिल्म है उसका यहाँ पे प्रमोशन होने वाला है, तो तमाम तरह के हम लोग अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी को यहाँ लाना चाहते हैं। और जो हमारा उत्तर भारतीय समाज जो काफ़ी अपने एंजॉयमेंट के लिए जाना जाता है कि अपना काम धंधा करता है, यहाँ नौकरी सर्विस करता है, धंधा करता है, रोजी रोटी करता है, उसके साथ उसको भी थोड़ा इंजॉय आए, माता की भक्ति करें और उसमें उनको शक्ति मिले, यही मैं कहना चाहता हूँ। और आपके फिर माध्यम से एक बार मैं सभी को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आज की माता की चौकी के लिए? माता की चौकी का हम लोग आज प्रथम वर्ष मना रहे हैं, कांदिवली पश्चिम में ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पे 90% आबादी भोजपुरी जनता रहती है जो उत्तर प्रदेश और बिहार से बिलोंग करती है, तो हम लोग का प्रथम प्रयास है, लेकिन ये प्रथम प्रयास हम लोग का काफ़ी सफल लग रहा है। आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले जो अगला वर्ष होगा इससे भी जमकर और जोरदार कार्यक्रम हम लोग करने का कोशिश करेंगे। कल इश्क वाले फिल्म का प्रमोशन करने के लिए भोजपुरी की धड़कन गर्ल शिखा मिश्रा जी कल और अनारा गुप्ता मिस जम्मू कल यहाँ पर उपस्थित होने वाली है। कल का कार्यक्रम और जोरदार होगा। आज भी कार्यक्रम 12 बजे रात तक चलने वाला है, कल भी 12 बजे रात तक कार्यक्रम होगा। पब्लिक काफ़ी इंजॉय ले रही है, खुश है और हम लोगों को इससे मनोबल मिलता है कि उनको एक मनोरंजन करने का हमने एक साधन दिया, सुविधा दिया, साथ साथ में माता जी की प्रतिमा लगाकर हम लोग पूजा भी कर रहे हैं, माता की चौकी का भजन भी हो रहा है, साथ साथ में गरबा भी हम लोग खेलते हैं। तो ये तीनों चीज़ हम लोग इस कार्यक्रम में मिक्स रूप से हम लोग कर रहे हैं। आने वाले में इससे अच्छा कार्यक्रम रहे, आप लोग हम लोग ऐसे सहयोग बनाइए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।